खेड़ी कस्बे में गत दिनों हुई 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या। मृतक बुजुर्ग का बेटा ही निकला हत्यारा। थाना अधिकारी हनुमान साय ने बताया कि मृतक के पुत्र रामू ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी, जिसके चलते उसके सिर पर चोट आई। लक्ष्मणगढ़ CO व थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे, मृतक को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। हत्यारे के खुलासे के लिए टीम गठित की गई। पूछताछ में मृतक बुजुर्ग का छोटा बेटा ही हत्यारा निकला। आरोपी ने गुनाह कबूल किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं संवाददाता अंकित अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। थाने पर सूचना मिली कि ग्राम समुची में एक वृद्ध व्यक्ति की लाश उसके मकान में पड़ी हुई है। इसी तला पर मैं नेतृत्व में जाकर वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर उसके छोटे बेटे राम बिहारी ने रिपोर्ट दी कि मेरा पिताजी कमरे में अकेले थे और किसी अज्ञात ने लाठी से सिर में मारकर हत्या कर दी है। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तालाब की गाड़ी किए गए। श्रीमान शिव साहब भी मौके पर बता रहे, इसमें संदिग्ध उसके जो छोटा बेटा था सीताराम, उसको थाने पर लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसने अपने बेटे की अपने पिताजी की हत्या करना स्वीकार किया। गिरफ्तार वगैरह भी कर लिया गया। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के कजौड़ी मोहल्ले में ट्रक की टक्कर से बिजली का पोल गिरा। खास बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक कस्बे के हिंडौन फाटक पर कार्य चलने के कारण फाटक बंद था, जिसके चलते भारी वाहन कस्बे से निकल रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक की टक्कर बिजली के पोल से जा लगी और पोल ट्रक पर गिर गया। बिजली विभाग को सूचना दी गई और पोल को हटवाया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे के रेल गांव में भोपाओं की बस्ती में अचानक दो कच्चे मकानों में आग लग गई। आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटों को देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अग्निशमन में वाहन को सूचना दी गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान गांव के सरपंच प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी और मुआवजा दिलाने की आश्वासन दिया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। पंचायत खेड़ली रोड से वार्ड 15 की जो भोपा बस्ती है उसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। पूर्व में भी यहाँ करीब 2 साल पहले आग लगी थी। इस आग में घरेलू सामान जो भी है, बिस्तर, कपड़े, कुछ नकदी भी है, जेवरात भी हैं, सारे जल करके राख हो गए। वो तो ग्रामीणों की मदद से जो है उस आग पर काबू पा लिया। उसके बाद में फिर दमकल गाड़ी आ गई फायर ब्रिगेड की, उन्होंने फिर उसको पूरी पे काबू पा लिया। हमारी तो देखो यही मांग है कि इनके पूर्व में भी आग लगी थी, गवर्नमेंट इनको हर संभव सहायता प्रदान करे। जो आपके द्वारा इनके लिए क्या आश्वासन दिया गया है, किस तरह की मदद आपके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा जिस तरीके से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी और हम कल ही पूरा उसका नुकसान का जायजा लेके पंचायत समिति स्तर पर हम भिजवा देंगे।